अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सोफिया सरदार। आप देख रहे हैं समाज टीवी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत आला सतह के अजलास में पंजाब के सरकारी हस्पतालों को पेपर लेस करने के लिए पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज की तजवीज़ का जायजा लिया गया। चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि इब्तदाई तौर पर पंजाब के 15 बड़े अस्पतालों में पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज किया जाएगा, जिससे अस्पतालों की इमरजेंसी गायनी आउटडोर और फार्मेसी पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मुंसलिक होगी। इस मरबूत निज़ाम के तहत मरीजों का डाटा हर सरकारी अस्पताल में मैसर होगा। मरीज़ की आमद, इलाज के आगाज़, टेस्ट प्रोसीजर और दीगर तफसीलात पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर मौजूद होंगी, जिस पर वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी के पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज के लिए ज़रूरी इकदाम करने की हदायत की और कहा कि अस्पतालों में पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मरीजों और डॉक्टरों को सहूलत होगी। पेपरलेस मरबूत निज़ाम के तहत मरीज किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज करवा सकेगा। दिल के मरीजों के फौरी यकीनी इलाज के लिए प्राइमरी PCI मॉनिटरिंग सिस्टम भी वाज़ह किया जाएगा। प्राइमरी PCI मॉनिटरिंग सिस्टम से दिल के मरीज की आमद, इलाज और प्रोसीजर का जायजा लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।